साहब पहले इसी धरती पे मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब आपको समझाने आए थे। जब उन्होंने जांजगीर चांपा का चुनाव लड़ा तो आपने उनका पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया। अगर आप पूर्ण रूप से साथ देते तो मान्यवर काशीराम साहब यहां से जीत के जाते और मान्यवर काशीराम साहब यहां से जीत के जाते तो आज ये जांजगीर चांपा आज के जैसा नहीं होता, ये नौड़ा जैसा होता, ये दिल्ली जैसा होता, इसको पहचान नहीं पाते। लेकिन आपने बड़े नेता को हरा दिया यहां कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में और जांजगीर चांपा रह गया, क्योंकि उनका लक्ष्य था देश भर में घूम घूम के समाज को, उनके पैरों पर खड़ा करना, समाज को तैयार करना। आज फिर आपके पास मौका है, ये दीपक फूटे मत समझो, ये इसको माननीय काशीराम साहब का चेला समझो, ये माननीय काशीराम साहब का चप्पल वाला चेला है। अगर आपने माननीय काशीराम साहब के चप्पल वाले चेले को अपना कीमती वोट देकर केतली के निशान पर कामयाब बना दिया तो ये गरीब का बेटा आपके आंसू पूछने के लिए 24 घंटे 7 दिन आपका वर्कर बन के, आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष करने का काम करेगा। ये पढ़ा लिखा नौजवान दिल्ली में जाकर आपके क्षेत्र के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं जानता हूं कि भीम आर्मी के माध्यम से आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, सड़कों पर जाकर आंदोलन किए, भारत बंद किया, लाठियां खाई है, मुकदमे देने जेल गए हैं, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा है। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों और मेरे नौजवान बहादुर साथियों, बताओ जब तक राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग कामयाब नहीं होंगे, जब तक राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में नहीं आएगी तो हम अपने लोगों का क्या भला कर सकते हैं? आप जिनके पास राजनीतिक ताकत है वही तो कंट्रोल करते, वही तो नेतृत्व करते हैं। आप महसूस करो, हमारे लोग ये समझते हैं कि चुनाव सिर्फ इसलिए है 10-15 दिन अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छे जो है कुर्सियों पर बैठ के भाषण सुनने का मौका मिलेगा, मगर महसूस करो राजनीति हमारे जीवन में कितना असर करती है। देखो अच्छे स्कूल कॉलेज कहाँ बनेंगे, राजनीतिक लोग तय करते हैं, सरकार तय करती है। अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, ये सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, सरकार तय करती है। आपके खाद्य पदार्थों के दाम क्या होंगे, सरकार तय करती है। बिजली का दाम क्या होगा, पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, सब्जी का दाम क्या होगा, टैक्स कितना रहेगा, सरकार तय करती है सब कुछ। इवन सांस लोगे, बीमार होने में ऑक्सीजन लोगे, ऑक्सीजन के दाम क्या होंगे, ये भी सरकार तय करती है। अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे, सरकार तय करती है। आपके क्षेत्र में उद्योग धंधे भी लगेंगे लगेंगे, सरकार तय करती है। महिलाओं को घर में रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार तय करती है। बच्चियों को बहनों को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकार तय करती है। सब कुछ तो सरकार तय करती है। तो आप अपने वोट का प्रयोग जिम्मेदारी से क्यों नहीं करते हो? आप अपने वोट का प्रयोग अगर जिम्मेदारी से नहीं करोगे तो ये ताकतवर लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे और ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके षड्यंत्र को भी समझो। इनका षड्यंत्र ये है कि लोकतंत्र से पहले, आजादी से पहले राजा महाराजा इस देश में राज करते थे और जब आजादी मिल गई, लोकतंत्र आ गया और बाबा साहब ने नारा दे दिया कि मैंने रानी का पेट काट दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी मोर से तैयार होगा। उनको पता था कि जिन्होंने हजारों साल हमारे बारे में नहीं सोचा वो आने वाले कल में भी नहीं सोचेंगे, इसलिए उन्होंने वोट का अधिकार सब लोगों को दिलाया। उनको महसूस होता था कि अगर हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, वोट की वैल्यू समझेंगे तो किसी के पिछलकू नहीं बनेंगे कांग्रेस भाजपा के, अपने आप कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठ के कलम की ताकत अपने हाथ में लेंगे और अपने लोगों की किस्मत लिखेंगे, अपने लोगों का भविष्य लिखेंगे, अपने लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं लिखेंगे। लेकिन इन्होंने अमीरों ने, ताकतवर लोगों ने लोकतंत्र पे भी कब्जा कर लिया। आज इन्होंने चुनाव इतना महंगा कर दिया कि कोई गरीब का बेटा लड़ नहीं सकता है। चुनाव आयोग कहता है कि 90-95 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन देश की तो 80 करोड़ आबादी सस्ता भोजन देती है, सस्ता राशन देती है, उनकी तो हैसियत भी नहीं, उनके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए भी नहीं, वो चुनाव कहां से लड़ने के। इन्होंने ये महंगा कर दिया कि गरीब के बच्चे इसमें घुस ना पाए, किसान मजदूर के बेटे इसमें घुस ना पाए, कर्मचारियों के बेटे इसमें घुस ना पाए। लेकिन माननीय काशीराम साहब ने इनको आंदोलन चला के मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उनके चेलों ने ली है कि माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे और गुरु घासीदास जी का भी अधूरा सपना पूरा करेंगे। भारत में मानव एक समाज का राज, यानी कि मानवता का राज लाकर रहेंगे और पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में लेकर
अपनी बहनों माओ को सम्मान के जीवन देंगे, उनके क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, अपने भाइयों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, उनके बीमार होने पर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे और उनके रोजगार के लिए जितना बैकलॉग है सारा बैकलॉग भरवाएंगे, उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर लगवा के उनको रोजगार देने का काम करेंगे, उनके क्षेत्रों में विकास के कार्य करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब इस क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र के साथ साथ दुर्ग लोकसभा की जनता भाई सीतकरण महिलवार जी को और रायपुर लोकसभा की जनता पीताम्बर जांगड़े जी को अपना वोट देके केतली का बटन दबा के इनको राजनीतिक ताकत दे और चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरह से यूपी के लोग चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली भेज रहे हैं, तो जांजगीर चांपा और दुर्ग के लोग जो हैं और रायपुर के लोग भी इन लोगों को दिल्ली भेजने का काम करें, इनके काम को आगे बढ़ाने का और आपके क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाने की गारंटी चंद्रशेखर आजाद लेता है। क्योंकि हम लोग इस सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि महापुरुषों का जो विजन है, महापुरुषों का जो विजन है, महापुरुषों का जो सपना है वो पूरा होना चाहिए और हमें भी गरीबों को भी किसानों को भी मजदूरों को भी नौजवानों को भी और मेरी गरीब माँ बहनों को भी इज्जत और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। देखो मेरी बात को याद रखना, आपको लंबा समय हो गया, आप किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की 55 साल होगी, किसी की 60 साल होगी, किसी की 70 साल होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 30 होगी, बताओ चुनाव के बाद आता है आपकी बस्ती में कोई पूछने की आपके हाल क्या, ईमानदारी से दिल खा रखा आता है कोई? कोई आपका भूखा पेट देखता है? कोई आपके फटे हुए कमरे देखता है? कोई आपकी टूटी हुई छत देखता है? कोई आपकी परेशानियां देखता है? जब बेटी की शादी करते हो तो कर्ज लेते हो, जब बेटे को पढ़ाते हो तो कर्ज लेते हो, ये हमें जानवर भी नहीं समझते, तो हमें इससे दूर रहकर अपनी ताकत बनानी चाहिए। अगर हम इनके पीछे खड़े रहेंगे तो ये मालिक बन के आगे आगे बढ़ते रहेंगे, कब तक हम झूठन पे जिंदा रहेंगे? हम जब इस देश में मेहनत करके संघर्ष करके मालिक बन सकते हैं तो हम इनकी झूठन पे जिंदा क्यों रहे कि ये जो हमें देंगे सरकार बना के मुश्किल नहीं। जब हम वोट से अपने लोगों को ताकतवर बना सकते हैं तो हम किसी दूसरे को ताकतवर क्यों बनाए? माननीय कांशीराम साहब कहते थे अगर आप फूल को वोट दोगे तो फूल ताकतवर होगा, फूल वाले ताकतवर होंगे, वो ताकतवर होंगे तो अपने लोगों के लिए नीति बना के उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अगर आप पंजे वालों को वोट दोगे तो पंजे वाले ताकतवर होंगे और वो नीति बना के अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अगर आप केतली वालों को वोट दोगे तो केतली वाले ताकतवर होंगे, आप लोग ताकतवर होंगे और केतली वाले नीति बनाकर आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपके आंसू पूछने का काम करेंगे। मैं तो अपने कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर निकला और मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं अगर आपने हम लोगों का साथ दिया तो जो दिन दूर नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी एक नई क्रांति पैदा होगी, छत्तीसगढ़ में भी एक नया उजाला आएगा, गरीबों के घरों तक भी सुख सुविधा रोशनी पहुंचेगी और गरीबों की जिंदगी भी स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी होगी। मैं तो वहां से देखता आ रहा हूं, मैंने मनीष से पूछा कि भाई देख के बताओ कि यहां क्या ऐसा क्या है जिसको मैं कहूं कि कुछ अच्छा है, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसको देख के मैं कहूं कि यहां के गरीबों की जिंदगी में कुछ अच्छा है। लेकिन अच्छा हो सकता है अगर आप अपनी वोट का फैसला जिम्मेदारी से लेना शुरू करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, भीम आर्मी के वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, कोई आपके लिए ये 4-10 दिन का मेला मत समझो इसको, ये आपके पुस्तक मिलकर आपके भविष्य का फैसला है, आप पे होने वाले जुल्म करने वालों की टांगे कांप जाएंगी अगर आपकी राजनीतिक ताकत बन जाएगी, हमारे बहन बेटों के नाम उठाने वालों की टांगे कांप जाएंगी अगर आपकी राजनीतिक ताकत बन जाएगी, और जो अधिकारी कर्मचारी आपको जगह जगह पर रोकते हैं, आज जो अधिकारी आपको डंडे से पीटने का काम करते हैं, आपको आंख दिखाते हैं, कल ये आपको सलाम करते नजर आएंगे, आपको सलूट करते नजर आएंगे अगर आपकी राजनीतिक ताकत बन जाए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारी परेशानियों को हल कर देगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं छत्तीसगढ़ के लोगों अपने सारी समस्या को कागज पर लिखकर लिफाफे में बंद करके चंद्रशेखर आजाद को दे दो और अपनी वोट की ताकत भी चंद्रशेखर आजाद को दे दो, फिर देखो कि आपकी वोट की ताकत के जरिए किस तरह से आपकी समस्याओं का हल जो है चंद्रशेखर आजाद और हमारी ये पूरी टीम, हमारी पूरा फौज, हमारा पूरा परिवार, हमारे तमाम नेता मिलकर जो है करके दिखाते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुश्मन की बातों में आकर आपने उनको वोट कर दिया तो वो वोट लेके अगली बार 5 साल बाद ही आपको दिखाई देंगे, 5 साल भी दिखाई देंगे,